तो आज हम सीख रहे हैं फोटोशॉप के अंदर हमारी सेकंड क्लास है, इसमें हम देखते हैं कि आज हमारी क्लास के अंदर नई चीज़ क्या है। तो पहले कुछ पिछला रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम फाइल में जाके यहाँ से न्यू करेंगे, और न्यू करने के बाद आप यहाँ से चल लेंगे वेब का। फिर यहाँ से आप एक साइज़ लिखेंगे 800x600 या जो भी कोई साइज़ लेंगे अपने कैनवास का, और उसके बाद उसका मैंने रेजोल्यूशन बताया था कि फ़िलहाल आप उसको 100 रखेंगे और उसको ओके कर देंगे। तो ये देखेंगे आपके सामने सारा खुल जाए, डबल क्लिक करने पर इसको अनलॉक करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ से मूव टूल लिया हुआ है हमने, मैंने बताया था किसी भी चीज़ को मूव करने का। अब आप क्यों नहीं भर पा रहे कलर, उसकी वजह ये हो सकती है कि आपने यहाँ से पहले अपनी लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर आपने लेना है यहाँ से पैंट बकेट टूल, और पैंट बकेट टूल लेके यहाँ से फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करना है। यहाँ पर से आपने इसको ड्रैग करना है ऊपर या नीचे, ये कलर स्लाइडर है आपका, और कलर सेलेक्टर जो है ना आपका वो ये है, और इसको क्लिक करके ओके करना है, और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा, सही है। तो ये इस तरह सेलेक्ट होता है कलर पर। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फोरग्राउंड कलर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से स्लाइडर लेंगे, क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, ये इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर कि अगर हमें यहाँ दो तीन कलर्स भरने हो तो फिर कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हम एक से ज़्यादा लेयर भी ऐड कर सकते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पर, तो यहाँ पर एक और लेयर ऐड हो जाएगी। लेयर जैसे एक शीशे की तह समझ लें, शीशे की तह, वो ट्रांसपेरेंट होता है ना शीशा, जिसके आगे बाहर देख सकते हैं। अब उसमें हम कलर कैसे भरते हैं, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे और उसमें एक दूसरा कलर भर देते हैं और उसको क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं, ये कलर उस पर भर गया, ठीक है। फिर एक और लेयर आप यहाँ से ऐड कराएंगे, ये लेयर बॉक्स के अंदर हूँ मैं, और यहाँ पे देखें यहाँ लेयर पे क्लिक करता, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से एक तीसरी लेयर हम उस पर ऐड करा लेते हैं, ओके करेंगे, तो ये देखिए तीन कलर्स ऐड हो गए। अब इन तीन कलर्स को मतलब तीन कलर तो हैं, लेकिन सर यहाँ तो तीन दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर तो एक ही, तो लेयर का ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। लेयर का ऑर्डर, जो लेयर सबसे ऊपर होगी वो आगे नज़र आएगी, जो लेयर उसके नीचे होगी वो नज़र ही नहीं आएगी, लेकिन हमें यहाँ देखने के लिए। अब मिसाल के तौर पे हम इसको ऊपर करना चाहते हैं, इस लेयर को इसके ऊपर, तो यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ के ऐसे ऊपर ले आएंगे और इसे छोड़ देंगे तो ये नज़र आएगी। इसको पकड़ेंगे यहाँ से और इसको ऊपर ले आएंगे तो यहाँ से ये नज़र आएगी। पकड़ने के लिए मूव टूल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो आँख का निशान बना हुआ आ रहा है ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं विजिबल और इनविजिबल आई। तो जैसे इस पर से क्लिक हटाएंगे तो ये इनविजिबल हो गया, माना गायब हो गया। तो जब ये गायब हो गया तो इसके पीछे वाला लेयर आपको नज़र आ रहा है, फिर इसको इनविजिबल कर दिया तो ये भी गायब हो गया, तो इसके पीछे वाला लेयर आपको नज़र आ रहा है, और इसको भी इनविजिबल कर दिया तो ये इस तरह के बैकग्राउंड को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, मतलब कोई कलर नहीं है, नो कलर, सही है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे विजिबल विजिबल विजिबल। अब मिसाल के तौर पे इनको आगे पीछे मूव करना है तो कैसे करेंगे, मूव टूल लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इस लेयर के ऊपर, इस लेयर पे पकड़ के यहाँ से इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं, और इस तरह हम एक अच्छा सा बैकग्राउंड बना लेंगे। क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये देखिए ये आपका एक किसी भी बोर्ड का एक डिज़ाइन आपने इजीली बना लिया, जिसमें आप डिफरेंट किस्म का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, और ये आपका लेआउट बन गया, ठीक है। तीन लेयर्स को मिला के आपने ये बना लिया। किसी भी लेयर को डिलीट करना है तो जैसे आपने यहाँ से ऐड कराया था उसको वहीं पे क्लिक करके उसके बराबर में डिलीट का ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से इसको यस कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आपको लगता है गलती हो गई तो आप उसको यहाँ से जाके अंडू भी कर सकते हैं और वो वापस आ जाएगा। फाइल में जाके हम इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ से हम जाके इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव करते हैं आपके फोल्डर के अंदर, पीएस फाइल्स में एप्पल के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास 02, ठीक है। और यहाँ पे हमने मल्टी लेयर्स लिख दिया, मल्टीपल लेयर्स, ठीक है, ये हमने इसका नाम लिख दिया। अब इस पर टेक्स्ट कैसे ऐड कराएंगे, वो ऐसे ऐड कराते हैं। तो याद रखें टेक्स्ट की भी प्रोसेस यही होता है कि जो लेयर के नीचे टेक्स्ट आएगा वो नीचे ही रहेगा और जो ऊपर लिखेंगे वो आगे नज़र आएगा। तो ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट लेते हैं, और टेक्स्ट लेने के बाद ये हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे एक टेक्स्ट की लेयर ऐड हो गई। अब उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई कलर अप्लाई करना है तो यहाँ से इसको एक कलर दे दिया, ओके कर दिया, यहाँ पर आप इसके ऊपर कलर अप्लाई करना शुरू करें। और यहाँ पर आप लिखें मिसाल के तौर पर, हमने यहाँ पर लिखा एडोब फोटोशॉप, और यहाँ पे मूव टूल लिया और उसको लेके क्लिक करके यहाँ पे रख दिया इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया इस तरीके से। अब नीचे आ गए हम यहाँ पे, इस पर येलो वाले के ऊपर हमें एक टेक्स्ट ऐड कराना है, तो यहाँ से हमने मूव टूल लिया, उसको अप्लाई किया, क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा, क्लिक किया, तो यहाँ पे हमने लिखा यहाँ से हमने डबल क्लिक किया, सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से हमने टेक्स्ट लिया और यहाँ से डार्क ब्लू टेक्स्ट लेके इसको क्लिक करके ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर एक शॉर्ट की मैं आपको और बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप किसी भी शेप को और टेक्स्ट को रीसाइज कर सकते हैं। कंट्रोल टी, जैसे ही आप इसके ऊपर कंट्रोल टी दबाएंगे तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट करेगा।
फ्री ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट करने के बाद आप देखेंगे उसके चारों तरफ इस तरह के हैंडल्स आ जाएंगे, और उसके बाद आप इसको इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्लिक करेंगे और मूव टूल से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखें किस तरह मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ से मूव टूल लिया, और अब इसको रीसाइज करने के लिए कंट्रोल टी, जैसे कंट्रोल टी दबाया, यहाँ से कंट्रोल टी दब किया और इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल टी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको टेक्स्ट को अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखें टेक्स्ट की लेयर कुछ बीच में आ गई, कुछ ऊपर चली गई, तो आप इस तरह से पकड़ के इनकी पोजीशन को दोबारा से सेट कर सकते हैं। एक मसला ये भी आ सकता है आपके साथ कि अगर कोई टेक्स्ट की लेयर किसी दूसरी लेयर के पीछे चली जाएगी तो वो छुप जाएगी, छुप यूँ जाएगी क्योंकि वो आगे है तो वो अपना विजिबिलिटी उसकी शो होगी, ये उसके नीचे आ जाएगी, तो उसको पकड़ के ऊपर कर देंगे तो वो नज़र आने लग जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं कंट्रोल टी, हम एक और लेयर यहाँ पे क्लिक करके ऐड कराते हैं, एक ये ब्लैंक लेयर आ गई, और इसके ऊपर हम यहाँ से लेते हैं ये वाला टूल जिसका नाम है पैंट बकेट टूल, और यहाँ क्लिक करके हमने यहाँ से इसके ऊपर एक कलर दिया, सपोज टू बी हम इस पर ये कलर ले रहे हैं या हम इस पर ये वाला कलर ले रहे हैं, और उसको यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये कलर भर गया। अब कंट्रोल टी दबाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो देखें इस लेयर के ऊपर भी वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसको भी आप इस तरह से यहाँ से पकड़ के ऐसे छोटा कर सकते हैं। और यहाँ हम लिख रहे हैं एप्पल, क्लिक किया और ये टेक्स्ट ले लिया हमने, क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया दोबारा से, और इसमें जाके हमने यहाँ से समझ में आ रही है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। इस तरह के कई सारे डिजाइन आप बना सकते हैं, लेट्स सपोज इस पे क्लिक करते हैं और एक और नया लेयर ऐड कराते हैं, और यहाँ से हम उसके अंदर एक कलर भर देते हैं सपोज टू बी, और उसको करते हैं कंट्रोल टी, और इसको इस तरह से हाइट इसकी कम करके विड्थ, और फिर हम उसकी लेयर पे क्लिक करके इस तरह से एडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और बेहतर किस्म के बैकग्राउंड्स बना सकते हैं इनको आगे पीछे मूव करके। अब इसी में ऐसा भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके कंट्रोल टी दबाते हैं, और यहाँ से इसको ले लेते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट टूल लेते हैं, फिर डबल क्लिक करते हैं, अब इसके ऊपर भी वाइट कलर भी सेट रहेगा, ओके करते हैं, मूव टूल लगाते हैं, कंट्रोल टी करते हैं, अब ये देखिए ठीक है, अब इसको ऐसे पकड़ के क्या मूव टूल एरो कीज की मदद से इसको फिट कर दो, तो ये देखें इस तरह से एक सिंपल सामने इसमें बैनर बना लिया, जिसको पोस्टर भी कह सकते हैं किसी वेबसाइट्स के लिए, सिंपल है, लेकिन आपको इसमें ये सीखने को मिलेगा किस तरह से हम इनकी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, रीसाइज कर रहे होते हैं, और किस तरह से ये सारे मामलों को हम ईजिली लेयर्स को आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं ताकि आपको ये सही तरह से नज़र आए। याद रखें CTRL प्लस टी, कंट्रोल ए, जिससे आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, और कंट्रोल टी से बाहर आने के लिए मूव टूल लेना लाजमी होगा, अगर नहीं लेंगे तो वो उसी एडिट मोड में रहेगा। सेव कर लेते हैं फाइल को, तो ये देखिए हमने एक सिंपल सा बैनर जिसमें हमने मल्टीपल कलर्स के बैकग्राउंड्स को टैक्स लगा के इजीली मैनेज कर लिया।